हेलो गाइस, मेरा नाम है रायान। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे आरसी रोबोट्स हैं। आज मैं एक बहुत ही यूनिक रोबोट की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं अटैकर इंटेलिजेंट स्प्रे रोबोट। ये मेरे पास पहला रोबोट है जो कि स्प्रे फेंक सकता है। इसके अंदर बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए गए जैसे कि जेस्चर सेंसिंग। इस रोबोट को आप अपने हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हो। गाइस, आज इस रोबोट की मैं बहुत सारे रोबोट्स के साथ फाइट कराने वाला हूँ, जैसे कि बैलून पंचर रोबोट है, टैंक वॉरियर रोबोट है, बॉक्सिंग रोबोट है और बंबलबी रोबोट। चलो गाइस, फटाफट से करते हैं इस रोबोट की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इसकी फाइट दूसरे रोबोट्स के साथ, देखते हैं क्या ये रोबोट पावरफुल है या नहीं। चलो, यहाँ पे इसके रिमोट के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में दिए गए, इतने ढेर सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी दी गई है 5200 रुपीस का। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये रोबोट को खरीद भी सकते हो। बॉक्स के ऊपर तो ये काफी ज्यादा बड़े साइज का लग रहा था, पर यहाँ पे देखो यार, मीडियम साइज का है। यहाँ पर एक छोटा सा वाटर कैन दिया गया है इसके अंदर पानी डालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्प्रेयर सिस्टम है। रोबोट बिल्कुल एक नए किस्म का है यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग और AI के फीचर्स भी डाले गए हैं। इस वजह से इसको चलाने से पहले यूजर गाइड पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर इसका चार्जर दिया गया, तो ये रिचार्जेबल रोबोट है। तो अब निकालते हैं हमारे रोबोट को। ये देखो यार, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है सरपास बोलकर। इसका जो हेड है ना यार, गोरिल्ला मंकी जैसा दिया गया। यहाँ पर इसका स्प्रेयर सिस्टम है, ऊपर की तरफ एक लाइट भी दी गई है। यहाँ पर हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है इसका स्प्रेयर सिस्टम ऑन करने के लिए। यहाँ पर इसके हाथ है और ये मूवेबल है पूरी तरीके से। यहाँ पर 3 इंफ्रारेड सेंसर इसके अंदर दिए गए पीछे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पे रॉकेट सिस्टम इसका दिया गया। यहाँ पर इसका एक शील्ड है, शील्ड शायद इसके ऊपर यहाँ पर लग जाए। ये बैठ चुका है इसका शील्ड यहाँ पर। अभी देखो यार, ये इसका वेपन है। इसको इस तरफ से मैं लगा देता हूँ। ये वेपन ऑटोमेटिक मेरे को लग नहीं रहा यार। यहाँ पर वेपन का देखो यार, एक रॉकेट भी है। ये रॉकेट इसके अंदर इस तरीके से लग जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, उससे पहले इसका रिमोट दिखा देता हूँ यार। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है। ऊपर की तरफ बहुत सारे बटन है। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा सुपर मेरे को लग रही है। अब ये बॉक्सिंग रोबोट को अनबॉक्स करते हैं। पिछली बार जब मैंने इसको चलाया था ना, लोगों को ये रोबोट बहुत आप पसंद आया था, तो आप लोगों ने मेरे को बोला था कि इसकी फाइट एक बहुत ही तगड़े वाले रोबोट के साथ कराने के लिए। इसलिए मैंने अटैकर रोबोट को खरीदा है इसके साथ फाइट कराने के लिए। देखते हैं गाइस, क्या ये रोबोट अटैकर रोबोट के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। ये रोबोट भी कंप्लीटली रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। अभी देखो यार, ये दिखने में पूरा का पूरा एक कार जैसा ही दिखाई देगा, पर रिमोट के अंदर मैं जैसे ही एक बटन दबाऊंगा तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक बंबलबी रोबोट जैसा दिखाई देगा। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्टाइलिश रिमोट इसके साथ मेरे को मिला है। ये रहा इसका पंचिंग बैग। जैसे ही रोबोट के सामने हम लोग ये पंचिंग बैग रखते हैं, इसके ऊपर मुक्के बरसाने लगता है यार। ये रही इसकी रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी बहुत ही पतली और बहुत ही छोटी सी दी गई है। अब ये बलून पंचर रोबोट को अनबॉक्स करके बताता हूँ। पहली बार जब मैंने इसको वाइकिंग रोबोट के साथ टेस्ट किया तो यार, ये रोबोटों ने वाइकिंग रोबोट को हरा दिया था। आज देखते हैं ये दोनों ट्विन रोबोट मिलकर क्या हमारे अटैकर रोबोट को हरा पाते हैं। ये इसकी बहुत सारी चीजें, ये इसके रबर बैंड्स है, ये इसके मास्क है, बलून भी इसके साथ में ही मिलते हैं। यहाँ पर इसका जो हेड है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बलून लग जाएगा। बलून के ऊपर ये मास्क आ जाएगा, तब जाकर ये प्रॉपर तरीके से एक रोबोट लगेगा। और ये रोबोट्स की एक खतरनाक चीज मैं आपको बताऊं, तो जैसे ये पंच मारता है तो ये नीडल इसकी निकल के बाहर की तरफ आने लगती है। अब ये बड़े से बम्बल भी रोबोट को भी अनबॉक्स करके बता देता हूँ। मेरे पास जितने भी रोबोट्स है, ये उन सब में सबसे ज्यादा बड़े साइज का रोबोट है। यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। क्या ही कमाल का और तगड़ा वाला रोबोट है। यहाँ पे इसके शोल्डर फ्लैप्स है, इसको हम लगा भी सकते हैं। यहाँ पर इसके वेपन्स वगैरह दिए गए। रोबोट के ऊपर इस तरह के फिन्स वगैरह भी लग जाते हैं। यहाँ पर 2 फिन्स इसके साथ मिलते हैं। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर। तो ये लो, मैकवेरियर रोबोट भी यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस चलते हैं बाहर, कराते हैं इन चारों रोबोट्स के बीच में फाइट, देखेंगे आज की फाइट में कौन सा रोबोट जीतता है। चलो गाइस, लेट्स गो। सबसे पहले मैं अटैकर आयरन गोरिल्ला रोबोट को टेस्ट करने वाला हूँ। दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा यह नजर आ रहा है। चलो इसको यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करते ही इसके आईज के अंदर इस तरह की LED लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। इसके जेस्चर कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं, ये सही से काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं। आगे पीछे तो ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जैसे ही मैं इसके सेंसर के सामने मेरा हाथ लेके जा रहा हूँ, सेंसर के सामने से हाथ मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, तो ये इस तरफ टर्न भी होने लग रहा है। ठीक है, सेंसर तो इसका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब रिमोट को भी चेक कर लेते हैं। इतने ढेर सारे बटन इसके अंदर दिए गए यार, क्या ही बताऊं।
इसको हर तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका एक बटन है, इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया है यहाँ से अभी ये स्मोक फेंकने लगा है और ये बहुत ही जहरीला स्मोक है। इसके सामने जो भी आता है वो बेहोश हो जाता है। अब इसके अंदर और भी वेपन है, जैसे कि इसके हाथ में यहाँ पे कैनन दिया गया है, ये मैनुअली कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से ये शूट करने लग रहा है। बाकी अभी इसको चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत फास्ट चलता है जैसे कि ह्यूमंस चलते हैं। यहाँ पे इसके और भी बहुत सारे बटन है, जैसे कि अब इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर मैंने सेट कर दिया। अब रिमोट देखो यहाँ पे मैंने फेंक दिया है। अब ये रोबोट मैंने इसको जो जो प्रोग्राम किया वो सारी चीजें अपने आप ही करके बता सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम दिया गया है। अब ये ट्विन बलून रोबोट को मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। ये बहुत फास्ट पंच कर सकता है, जैसे कि इसकी स्पीड देखो, एकदम नुकीले हथियार भी है। जैसे जैसे पंच मारता है ना यार, ये वैसे वैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है। अब इन दोनों के बीच में फाइट करा के बता देता हूँ। देखो ये जो रेड कलर वाला रोबोट है बहुत ज्यादा फास्ट है ब्लू कलर के मुकाबले में। इसने तो यार दो पंचेस में ही ऊपर का इसका सर फोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। बहुत ज्यादा पावरफुल रोबोट है। अब ये बड़े से बम्बल भी रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। इसके फ्लैप्स थोड़े से ऊपर कर दिए मैंने ताकि ये रोबोट और भी ज्यादा बड़ा नजर आ सके। इसकी मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, वो है इसकी लाइटिंग। सेंटर में इसका कैनन सिस्टम दिया गया है, यहाँ से ये डिस्क फेंक सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अभी स्लो मोशन में दिखा रहा हूं। सामने जो भी चीज आती है वो इसको तोड़ फोड़ देता है। अब ये बम्बल भी रोबोट के और भी मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूं। जैसे कि इसके राइट हैंड में भी एक बहुत बड़ा वेपन दिया गया है, पर ये काम नहीं करता। इसके अंदर सिर्फ लाइट्स वगैरह दी गई है, बाकी ये स्लाइड करता हुआ भी चल सकता है कार की तरह। आप चाहे तो इसको कोई भी डायरेक्शन में चला सकते हो। अब ये किक बॉक्सिंग रोबोट को मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। ये कार की तरह चल सकता है। अब देखो यार, एक बटन में दबाऊंगा तो ये पूरी तरीके से एक किक बॉक्सिंग रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी स्पीड देखो यार, ओ माय गॉड, बहुत ही तगड़ी वाली स्पीड दी गई यार। इसके सामने तो माइक टायसन भी फेल हो जाए, इतनी रफ्तार से ये पंचेस मार सकता है किसी के भी ऊपर। अभी यहाँ पे ये इस तरह से घूम भी सकता है, बहुत फास्ट बहुत ज्यादा क्विक रोबोट है। वापस से मैंने इसको कार बना दिया है। अब आप इसको एक कार की तरह भी चला सकते हो। इसके सामने अभी मैंने पंचिंग बैग रख दिया। इसकी स्पीड देखो यार, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यार इसने चार पांच पंच में ही पंचिंग बैग नीचे गिरा के रख दिया है। अब मैक वॉरियर रोबोट को टेस्ट करके बता देता हूं। यहां से ये कैनन को रोटेट करके पांच डार्ट्स को फटाफट तरीके से फायर कर सकता है। ये रोबोट भी बहुत ज्यादा डेंजरस मेरे को लगता है। अब यहाँ पे आमने सामने वाली फाइट होगी आयरन गोरिल्ला वर्सेस मैक वॉरियर रोबोट के बीच में। देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। दोनों के पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं। दोनों अपने वेपन से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर आयरन गोरिल्ला रोबोट इतना ज्यादा खतरनाक है यार, इसने देखो अपने सिर से ही इसको मार के नीचे गिरा दिया। भाई साहब, मेरे को नहीं लगा था गाइस ये इतनी आसानी से जीत जाएगा। अब आयरन गोरिल्ला रोबोट की फाइट कराते हैं बलून रोबोट के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। बलून रोबोट इसके ऊपर बहुत जोर से अटैक कर रहा है। इसके पंचेस की रफ्तार देखो गाइस कितनी ज्यादा है, पर इसने अपने हथियार से इसके ऊपर फायर कर दिया है। ओ माय गॉड, ये देखो यार, इसका जो हेड है ये थोड़ा सा छोटा होने लगा है। मेरे को लग रहा है गाइस इसका हेड जो है पूरी तरीके से पंचर हो चुका है। अब ये बहुत स्पीड से इसके ऊपर पंचेस मार के इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, पर आयरन गोरिल्ला रोबोट ने एक पंच मार के इसका सर फोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। अब अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्लू वाला रोबोट भी आ चुका है। देखते हैं गाइस क्या ये रोबोट भाई का बदला ले पाता है या नहीं। ओ माय गॉड, आयरन गोरिल्ला ने इसका भी हेड फोड़ के रख दिया है गाइस पूरी तरीके से। ओके, अब आयरन गोरिल्ला से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है किक बॉक्सिंग रोबोट। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीता है। किक बॉक्सिंग रोबोट की स्पीड देखो, धड़ाधड़ तरीके से इसके ऊपर ये पंचेस की बरसात किए जा रहा है और मुक्के मार के इसको गिरा के रख दिया है नीचे। किक बॉक्सिंग रोबोट बहुत ज्यादा तेज है। अब देखते हैं क्या एक छोटा सा किक बॉक्सिंग रोबोट इतने बड़े बम्बलबी रोबोट को फाइट में हरा पाता है या नहीं। बम्बलबी रोबोट इसके ऊपर धड़ाधड़ तरीके से डिस्क फायर कर रहा है, पर इसको कोई भी फर्क यहाँ पे पड़ा नहीं। अब दोनों आमने सामने आ चुके हैं। दोनों किक बॉक्सिंग रोबोट इसके ऊपर धड़ाधड़ तरीके से 200-300 पंचेस बरसा चुका है अभी तक। यहाँ पे बम्बलबी रोबोट इससे भी ज्यादा पावरफुल है, मेरे को नहीं लगता गाइस अब ये उठेगा। क्लियरली यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल रोबोट है बम्बलबी रोबोट। गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी रोबोट्स में से कौन सा रोबोट अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है रोनित सिंह, एहसान, दीप सिंह, सफदर, सुनील, आसिफ, संजय, अर्नव, युगांत, अहमद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।